वेलकम टू वेस्ट प्लस। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 5 जुलाई के करंट अफेयर। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के टॉपिक देख लेते हैं हम, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के 2018 में आए हुए क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये कथन है आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसका आंसर मैंने भी दे रखा है और आंसर के जो वाक्य हैं वो भी मैंने दे रखी है। तो आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, कथन को पढ़ना है और इसकी वाक्य देखनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने का मतलब यही होता है कि किस टॉपिक से कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर से कैसा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो जैसे हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनसे अंदाज़ा लगाएंगे कि किस प्रकार के करंट अफेयर आते हैं। तो टॉपिक देख लेते हैं, तो QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 है। ठीक है, फिर है हॉर्नसिंग ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, फिर अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती, डिजिटल भारत सप्ताह। ठीक है, और ये रेड चिट्ठी होती है, और आप मुझे कमेंट में बताओगे कि जो लाल चिट्ठी होती है वो कौन से उनके अंदर कौन सा एसिड होता है। ये काई चटनी जो रेड चिट्ठी से संबंधित है, ठीक है, इसका महत्व जानेंगे। और RPF जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है उनकी कौन कौन सी पहले हैं, रेलवे पुलिस फोर्स RPF, ठीक है, तो उनकी ये प्रमुख पहल हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या टॉपिक। तो QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023, हाल ही में QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 प्रकाशित की गई है। इस रैंकिंग में लंदन, ठीक है, तो इस रैंकिंग में लंदन को जो कि ब्रिटेन के अंदर है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट शहर का दर्जा दिया गया है। लंदन के बाद सियोल और म्यूनिक दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे, ज्यूरिख तथा मेलबर्न को चौथे और पांचवें स्थान पर रखा गया है, ब्यूनस आयर्स जो कि दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, लेटिन अमेरिका देशों में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर मुंबई है, तो अपन को तो इंडिया से मतलब है, ठीक है, किसे मतलब है, इंडिया से। तो इंडिया का जो शहर है, जो सर्वोच्च शहर रहा है इंडिया का, वो कौन सा है, तो वो है मुंबई, जिसे वैश्विक स्तर पर 103 यानी कि 103 स्थान पर रखा गया है। मुंबई के बाद बेंगलुरु को 114वें स्थान पर रखा गया है। चेन्नई और दिल्ली ने इस सूची में अपने प्रविष्टियां दर्ज की है तथा उन्हें क्रम से 125वां और 129वां स्थान पर रखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 क्या है, ठीक है, और उसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ शहर की जो रैंकिंग दी गई है वो लंदन को दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ब्रिटेन के अंदर है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रखनी है, और उसके बाद अपन को ये जो बीच के अंदर है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंडिया की रैंकिंग, इंडिया के जो शहर है वो रैंक याद रखना है, इंडिया के अंदर जो सबसे सर्वोच्च रैंक वाला जो छात्र शहर मुंबई है, उसके बाद एक जो मुंबई को है वो 103वां स्थान पर रखा गया है, जबकि बेंगलुरु है उसको 114वें स्थान पर, और चेन्नई और दिल्ली को 125 और 129 स्थान पर क्रम से रखा गया है। QS बेस्ड स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग उन कारकों से संबंधित स्वतंत्र डेटा प्रदान करती है जो छात्रों के अध्ययन के निर्णय लेने हेतु प्रासंगिक है। इन कारकों में विश्वविद्यालय के मानक, सामर्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, उस गंतव्य में अध्ययन करने वाले पिछले छात्रों के विचार इत्यादि शामिल होते हैं। तो ये देखा हमने QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हॉर्नसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। तो क्या है ये, सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग, तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है और ये कौन से आयोग के विस्थापित करके ये इसकी स्थापना की गई है। नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो आपको याद रखना है, क्या है, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया। यह रिपोर्ट दिल्ली स्थित थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से तैयार की गई है। तो कौन कौन है इसके अंदर शामिल, नीति आयोग तो है ही, ठीक है, उसके साथ कौन सा है, RMI इंडिया जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है वो भी इसके अंदर शामिल है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में
ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर GST सीमा शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के साथ साथ उन स्टार्टअप्स को अनुदान देने का भी प्रस्ताव है जो घरेलू स्तर पर हरित हाइड्रोजन समाधान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जो ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं वो उन स्टार्टअप को भी GST से छूट देने का और सीमा शुल्क से छूट देने का सिफारिश की है। ठीक है, और वो ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के साथ साथ उन स्टार्टअप्स को भी अनुदान देने का प्रस्ताव है जो घरेलू स्तर पर हरित हाइड्रोजन समाधान पर कार्य कर रहे हैं। इनके अनुसार सरकार को देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लागत में कमी करने पर ध्यान देना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस है जिसे जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है उससे अपन को ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस है जिसे जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। तो यह आप ध्यान रखेंगे, जल के इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने हेतु एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। क्या है? अगर आपसे इलेक्ट्रोलिसिस पूछे इसका मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने हेतु एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। मतलब जैसे ये H2O होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है अल्लूरी सीताराम राजू। तो कौन है और इनकी 125वीं जयंती है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई 2022 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 जुलाई को मतलब कल कर चुके हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने और पूरे देश में लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के प्रति कटिबद्ध है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती है, दूसरा इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो नरेंद्र मोदी करेंगे। कब करेंगे, मतलब कब कर दिया है? 4 जुलाई 2022 को कर दिया है। कहाँ के हैं ये? तो आंध्र प्रदेश के भीमावरम के स्वतंत्रता सेनानी हैं। कितने फिट की इनकी मूर्ति होगी? 30 फिट की होगी। किस धातु से बनी होगी? तो कांस्य मूर्ति की, कांस्य धातु की बनी होगी। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ था, यानी कि कांग्रेस स्थापना के बाद, यानी कि कांग्रेस स्थापना के 12 साल बाद अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ था। क्यों, कांग्रेस की स्थापना कब होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उन्होंने जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पूर्वी घाट क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। पूर्वी घाट जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उधर तमिलनाडु हो गया, और इधर ओडिशा हो गया, ठीक है, वो सब। तो वर्ष 1922 में रंपा विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया था। तो अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता है। और रंपा विद्रोह क्या है, तो मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सभी विद्रोह का एक वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक इस वीडियो के नीचे उसका प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से सभी आप मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी विद्रोह होते हैं वो मैंने उसमें कवर कर रखे हैं, तो वहाँ जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए उन्हें मन्यम वीरुडू, यानी कि मन्यम वीरुडू जंगल का नायक उपनाम दिया गया था। वर्ष 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस हिरासत में लिया गया और पेड़ से बांधकर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। तो अगर ये रंपा विद्रोह है तो ये एक सशस्त्र विद्रोह था, और इनको पकड़कर सार्वजनिक रूप से इनको गोली मार दी गई। तो इनका एक तो सार्वजनिक रूप से गोली मार दी, याद रखना है, और उनको उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए मन्यम वीरुडू, यानी कि जंगल का नायक उपनाम दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सरकार की ओर से एक वर्ष तक चलने वाले इस समारोह यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में स्थित चिंतापल्ली क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म स्थान पंडरंगी का संरक्षण किया जाएगा।
सरकार ने मोगुल्लू में अल्लूरी ध्यान मंदिर के निर्माण को मंजूरी दी है। इस मंदिर में अल्लूरी सीताराम राजू की मूर्ति स्थापित की जाएगी और उनकी जीवनी पर आधारित वृत्त चित्र भी लगाए जाएंगे। तो अब ये न्यूज़ के अंदर है एक तो, ठीक है, ऊपर से स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, और वो भी इम्पोर्टेंट, और नरेंद्र मोदी ने इनकी 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण भी कर दिया है 4 जुलाई 2022 को, यानी कि कल। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, डिजिटल भारत सप्ताह। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई 2022 को, यानी कि कल, गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह यानी कि 2022 का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में वे कई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत करेंगे जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक लोगों की पहुंच बढ़ाना, जीवन यापन को सुगम बनाना और स्टार्टअप को मजबूत करना शामिल है। डिजिटल भारत सप्ताह का विषय क्या रहा है 2022 का, जो डिजिटल भारत सप्ताह है उसका विषय क्या रखा गया है, तो नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल भारत सप्ताह का जो विषय है, थीम है, वो क्या है, नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। क्या, नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं जैसे कि भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, औद्योगिक गलियारों आदि से संबंधित है। इसका उद्देश्य भारत को एक भविष्य आधारित ज्ञान केंद्र के रूप में तैयार करना तथा परिवर्तन को साकार करना, अर्थात आईटी इंडिया टैलेंट, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडिया टुमारो को वास्तविक रूप प्रदान करना। तो ये नाम रखने में तो हमारे मोदी जी, पीएम मोदी जी तगड़ी है, ठीक है। तो आईटी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी, ठीक है, देख रहे ना, आईटी आईटी आईटी, तो सबका अलग अलग नाम दिया इन्होंने, इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल टू इंडिया टुमारो। तो ये है डिजिटल भारत सप्ताह। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि विषय हो गया, ठीक है, और ये इसके अंदर जो कई महत्वपूर्ण जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में लॉन्च किया गया था उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, योजनाएं शामिल हैं, उद्देश्य क्या है, तो वो सब आपको याद रखना है। ये आपको दिख रही होगी रेड कलर की चींटी, कौन सी कलर की, रेड कलर की। और मैंने आपको शुरुआत में पूछा था कि जो रेड कलर की चींटी होती है इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, आइए देखते हैं। तो काई चटनी, जो काई चटनी है, काई चटनी बुनकर चींटियों से तैयार की जाती है और उड़ीसा के मयूरभंज, जो उड़ीसा है उसके मयूरभंज जिले में ज़्यादातर आदिवासी लोगों के बीच लोकप्रिय है, ठीक है। तो ओडिशा पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, ठीक है, जिसके अंदर जो ये रेड चींटी है, बुनकर चींटी है, उनकी काई चटनी बनाई जाती है जो कि मयूरभंज जिले के ज़्यादातर आदिवासी लोगों के बीच लोकप्रिय है। आवश्यकता पड़ने पर चींटियों के पत्तेदार घोंसलों को उनके मेजबान पेड़ों से तोड़ा जाता है तथा पत्तियों और मलबे को छांटने एवं अलग करने से पहले एक बाल्टी पानी में इकट्ठा किया जाता है। अब महत्व क्या है, यह फ्लू, सामान्य सर्दी, काली खांसी से छुटकारा पाने, भूख बढ़ाने और आँखों की रोशनी को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद करती है। आदिवासी उपचारकर्ता औषधीय तेल भी तैयार करते हैं जिसका उपयोग बेबी ऑयल के रूप में किया जाता है और भारी रूप से गठिया, दाद व अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह जनजातियों के लिए एकमात्र रामबाण है। तो आपको पता ही चल गया कि ये जो रेड चिटनी होती है, बुनकर चिटनी होती है, चीटियाँ होती हैं, उनसे ये चिटनी बनाई जाती है, मतलब इनसे ये चिटनी बनाई जाती है। और इसका उपयोग तो आपने देख ही लिया है कि किस किस के अंदर इसका उपयोग होता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। और उड़ीसा ने इसका जो GI टैग है वो लेने के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब RPF तो आप जानते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है, इनकी कुछ पहले होती है, तो हर पहल होती है रेलवे के संबंधित, तो वो देखते हैं क्या है। ऑपरेशन आहट, पीड़ितों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने के लिए लंबी दूरी की सभी ट्रेनों मार्गों पर विशेष टीमों की तैनाती किया जाती है, ठीक है। तो ऑपरेशन आहट आपको पता चल गया क्या है, कि पीड़ितों
जिनके अंदर महिला और बच्चे जो होते हैं तस्करों को तस्करों के चंगुल से बचाने के लिए जो लंबी दूरी की सभी ट्रेन होती हैं उनके अंदर विशेष टीमों को तैनात किया जाता है। फिर है मेरी सहेली पहल। तो ये क्या है? ये पहल महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित होगी। इसे सितंबर 2022 में दक्षिण पूर्व रेलवे में एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। तब से इसे सभी जोनों में विस्तारित किया गया है। फिर है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। क्या है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत RPF यात्री अपराध के खिलाफ लड़ाई में राज्य पुलिस का समर्थन करता है। तो जो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा है उसके अंदर राज्य पुलिस प्लस RPF दोनों ही आपस में सहयोग करके यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ये क्या है? इसने अब तक 1045 बच्चों को बचाया है जो अकेले पाए गए थे या रेलवे स्टेशनों पर छोड़ दिए गए थे। तो ये प्रमुख RPF पहले हैं जो हमने देखी। तो एक बार आपको फिर से देखना है इनको तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन इनसे बनते ही बनते हैं और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर तो ये उनके रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर जो हमने एक वन बाई वन पढ़े, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको पढ़ना है, इसका आंसर देना है और इसी के आधार पर आपको एनालाइज करना है कि किस प्रकार के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, आपने क्या एनालाइज किया और आपको ये करंट अफेयर वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।